गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। कोरोना काल के इस दौर में जहां आर्थिक मंदी का संकट चल रहा है, लोगों की जो आमदनी है वो वैसे ही घट गई है, ऐसे में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने लोगों को बड़े हुए बिल भेजने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम के अलग अलग जो बिजली विभाग हैं, दफ्तर हैं, वहाँ पर लोग रोज़ाना चक्कर काट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं वो कम से कम उनको ठीक किया जाए और उनको सहूलियत दिया जाए। बहुत से लोगों की तो ये शिकायतें हैं कि उनकी जो यूनिट की रीडिंग्स हैं वो नहीं ली जा रही है और उनको 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने जब DHBVN के हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी लेना चाहिए कि उनके यूनिट के हिसाब से जो बिल आए हैं उसके हिसाब से उनकी जो अमाउंट बनता है उससे कहीं ज़्यादा 6-6 हज़ार रुपये ज़्यादा उनसे चार्ज किए जा रहे हैं, आखिर क्यों, तो जो हेल्पलाइन नंबर से रिप्लाई आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि आपसे एडवांस सिक्योरिटी जो है वो ली जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि सिक्योरिटी चार्जेस जब नया कनेक्शन लगाया जाता है तो उस दौरान जमा करा दिया जाता है, तो फिर अब ये एडवांस सिक्योरिटी किस लिए ली जा रही है? और जब जवाब ये लिया जाता है हेल्पलाइन नंबर से कि एडवांस सिक्योरिटी ये रिफंड कैसे होगी, तो उस दौरान कहा जाता है कि जब आप कभी अपना बिजली का कनेक्शन कटवाएंगे या फिर आप अपना जो आपका बिजली बिल नहीं भरेंगे तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई अपना बिजली का मीटर क्यों कटवाएगा, अपना कनेक्शन क्यों कटवाएगा, केवल वो पैसे रिफंड लेने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत कादीपुर दफ्तर पहुंची, जहां पर लोगों की भारी भीड़ थी, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं अपने बिल को ठीक कराने के लिए। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। बढ़ते बिजली के बिल से लोग इस कदर परेशान हो गए हैं कि लोगों को बिजली विभाग के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। वैसे ही लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब देखिए कि बिजली के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग बाग बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं, जिसमें से लोगों से कहा जाता है कि लॉकडाउन के चलते घरों के अंदर रहो। और वहीं कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं इनमें जो बिजली के चक्कर काट रहे हैं। आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उन्हें किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैडम, ये गलत बिल दे रहे हैं। दो दफ़ा पहले हम चेक करा के गए, चेंज किए, करवाया इनसे। लास्ट टाइम हम आए नहीं, हमने बोला अगली दफ़ा एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट किया नहीं। बिल आता नहीं है, घर में मोबाइल में बोल देते हैं इतना पैसा जमा कराओ पेटीएम के थ्रू, और वो पैसा इस दफ़ा हमने नहीं जमा कराया। हम आ रहे हैं 4 दिन से कि हमारा बिल दो ताकि हम देखें रीडिंग वगैरह। इनका सर्वर डाउन है जब से। तो अधिकारी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या बताया चार्ज किस लिए लग रहा है? अधिकारी कहते हैं जी बिल आने दो, फिर देखेंगे। सर्वर डाउन है, बिल निकल नहीं रहा है। रिटायर्ड आदमी है, मेरा अभी प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी इधर घूमना पड़ रहा है। मैडम, आपका कितना बिल आया है? 6 हज़ार आई है जी। और जहाँ 1200-1300 बिल आना चाहिए, 6 हज़ार गई मैसेज। एक निकाल के लेके आए हैं, उसका रीडिंग सही है। आपने भी किसी से बात की? कोई सुनी नहीं, तैयार नहीं है। कोई बोलता है 3 नंबर बजाओ, कोई बोले एकदम ऐसे दोहरा रहे हैं। अच्छा, जो ये दो बिल दे रहे हैं, ये किस लिए दो बिल दे रहे हैं? दो बिल दे रहे हैं, एक एक तो बिल दूसरा निकाल के नहीं दे रहे हैं। एक बिल ऑनलाइन निकाल के दिया है वहीं पर मीटर से, जो सही है, लेकिन उसको जमा नहीं ले रहे हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं उसमें, मतलब इन्होंने कहा है किस लिए चार्ज ले रहे हैं? बोल रहे हैं ना एक्स्ट्रा चार्ज है, लेकिन बिल जब निकले तब पता चले ना कि एक्स्ट्रा चार्ज है कि क्या है। सर, आपका कितना बिल आया है? मैडम, आया बिल आया है मेरा 3351 रुपये का, बट ये ऑनलाइन दिखा रहा है 7 हज़ार रुपये। अभी तो मुझे आप एक बार ये बिल पर भी नज़र डालिए, ये इनकी पिछले साल की रीडिंग है और ये इनकी अभी की रीडिंग है और ये टोटल हो गया इनका। तो सर, आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? बिना रीडिंग का बिल भी देखा है जी, और रीडिंग करवा ये रीडिंग का जो कर रहा है 4 सेकंड लगा दिए, इसमें कोई रीडिंग ही नहीं दिखा रखी, यही तो बात है। तो आपने किसी अधिकारी से बात की? हाँ जी। आपने किसी से बात करने की कोशिश की? वो सारा पर फॉर्म 12 बल के दे दिया मैंने। आप बताइए आपका। मैडम, बिना रीडिंग का बिल है, मीटर में 300 रीडिंग है और 710 रीडिंग का बिल दे दिया इन्होंने। अब ठीक करवाना आए हैं तो कह रहे 20 दिन में ठीक होगा। हमारा सर्वर नहीं चल रहा 19 तारीख से। तो ये सर्वर काफ़ी टाइम से खराब पड़ा, ये पोस्ट लगा रखा है इन्होंने 19 तारीख से, बिल इनका सर्वर नहीं चल रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
कंप्लेंट दी है, 20 दिन बोल रहे हैं, जिसमें परसों लास्ट डेट है। तो आपने इन्हें बताया नहीं कि जब लास्ट जो तारीख दे रखी है वो आ रही है, तो फिर भरने की जरूरत नहीं है? और बिल दे के गए हैं 2914 रुपये का, और वैसे नेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो बिल लगा रहा है, अलग चार्ज जोड़ के आ रहा है। मैडम ये 0 रीडिंग का 40,000 बिल भेज दिया। तो आपका 40,000 बिल आया है? ये देखो, 5 दिन को कंप्लेंट कराई थी, आज 4 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ। 25,000 रीडिंग कितनी दिखा रखी? 0 रीडिंग है। हाँ जी, 40,000 बिल। हाँ जी, ये देख लो, 25,000 पार्ट पेमेंट करवाइए, भरा है। देखिए आप एक बार इस बिल पे, और मीटर तक नहीं लगा रहे, नया 10 चक्कर काट चुका हूँ, आज भी कह रहे सर्वेयर डाउन है, अब कहाँ तक चक्कर काटते रहेंगे? 0 रीडिंग का 25,000 बिजली बिल के लिए जी, ऑनलाइन दिखा रहे 3,000, ऐसे 9,000 का बिल वो हमारे हाथ में है, वो कह रहे 9,000 भरा जाएगा, इससे कम नहीं लेंगे। तो और ये से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, ये तो नया बिल भी नहीं दे रहे निकाल के हमें, वो कह रहे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। वो बिल 3 गुना ज़्यादा आ रहा है, 3 गुना ज़्यादा। सर आप बताइए। मैम मेरा बिल आ रहा है 7,900 रुपये, और मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरा आ रहा है 17,000 इतने का आ रहा है, अभाव आ रहा है, और कम से कम मेरा ये क्या कहते हैं 11,000 एक्स्ट्रा बिल आ रहा है, और ये कहते हैं भरना पड़ेगा 33, क्या कहते हैं 33% चार्ज एक्स्ट्रा हमारा पे करना पड़ेगा, इनको बोल रहे हैं अभी। जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि हमने काफ़ी लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश की, तो सबके बिल में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, किसी का बिल 4,000 बढ़ा आ रहा है, किसी का और ज़्यादा बढ़ा आ रहा है। अगर यहाँ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है तो अधिकारी कहते हैं कि उनके सर्वर डाउन चल रहे हैं, और उनकी जो भी समस्या वो वैसी की वैसी है। देखना ये होगा कि इस समस्या के आने वाले टाइम में कुछ समाधान हो पाता है या नहीं। कैमरामैन मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। ऐसे में एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को अपना घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लोगों को बढ़े हुए बिल बेवजह भेज रहा है, कहीं ये उनकी जेब पर डाका तो नहीं? अब देखना होगा कि लोगों की इस समस्या का समाधान कब तक और कैसे किया जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।